अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो वर्क मेड्यू प्रिंसिपल है। इसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड के वर्क जो है और एनर्जी का आपस में क्या ताल्लुक है। पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके होंगे जो वर्क जो है वो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस एक फार्मूला है, कि सामने आपको एक बॉक्स के अंदर उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखा गया है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप सामने फिगर में देखें तो एक ब्लॉक है जिस पे एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, और ये ब्लॉक जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से डी फासला तय कर देता है। तो उसकी जो इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर ये फोर्स जो है अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस बजाय कोई एंगल थीटा बनाने के अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये एक्ट करे, यानी पैरेलल टू कवरिंग डिस्टेंस हो जाए, तो थीटा विल बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो इसकी वैल्यू वन होती है, तो कॉस थीटा वाला फैक्टर ये मिनिमाइज हो जाएगा अगर ये फोर्स पैरेलल टू एक्सिस हो जाए, मूवमेंट के अलॉन्ग हो जाए। तो इक्वेशन से रह जाती है W इज इक्वल टू एफ डी, जैसा कि वो बॉक्स के अंदर सामने लिख दिया गया है। ये सामने एक और पिक्चर है जिसमें एक बात क्लियर हो रही है फिगर के साथ। एक लेडी जो है वो एक ब्लॉक को खींच रही है और रस्सी के साथ ब्लॉक बंधा हुआ है, और उसको वो एक एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए खींच रही हैं और एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक लेके जाना चाह रही हैं। अगर वो नीचे हाथ नीचे की तरफ करती चली जाएंगी तो ये एंगल शॉर्ट होता चला जाएगा, हत्ता कि ये बिल्कुल एक्सिस के साथ पैरल हो जाएगा। तो वही इक्वेशन जो एफ डी कॉस थीटा है, पैरल होने की सूरत में फोर्स एक्सिस के साथ पैरल होने की सूरत में इक्वेशन में कॉस थीटा मिनिमाइज हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी रह जाएगा। तो व्हेन वर्क इज डन एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर टाइप। ये सामने एक फिगर बनी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक जो गाड़ी है वो प्लेन के ऊपर तेज़ी से मूव कर रही है, इसकी डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब ये किसी हाइट पे पहुंचती है तो इसकी यही काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। टॉप पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी वो इंस्टेंटेनियसली कुछ लम्हों के लिए सिफर हो जाएगी। लेकिन जो ही ये अपने इस टॉप पोजीशन से नीचे फिर सफ़र तय करना शुरू करेगी, वही मैक्सिमम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो सामने फिनोमेना है, ये हमारी ऊपर वाली बात जो हमने की है कि एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अदर टाइप, इसको ये फेवर कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क और एनर्जी जो है इनके यूनिट सेम हैं, तो इसका मतलब है कि वर्क और एनर्जी जो है वो आपस में एक तो इंटरचेंजेबल है और दूसरा ये इनके यूनिट्स भी सेम हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड में हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्या है। जिस तरह से पिछले फिगर में हमने देखा था कि ये जो सामने फिगर बनी हुई है, ब्लॉक जो के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अलॉन्ग एक्सिस थीटा एंगल बना रही है, और उस एंगल की वजह से फोर्स का एफ कॉस थीटा कंपोनेंट जो है उसका वजूद भी साथ में मौजूद है। अगर ये एंगल ज़ीरो हो तो ये एफ कॉस थीटा जो है इसका फंक्शन जो होगा थीटा ज़ीरो होने की वजह से ये मिनिमाइज हो जाएगी। तो सिर्फ फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक वर्क डन, एक मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर यही फोर्स जो है एंगल थीटा को बढ़ाते चले जाए और ये 90 डिग्री तक पहुंच जाए, तो हम कहते हैं कि कॉस 90 डिग्री जो है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वर्क जो होगा हमारा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। अब पॉजिटिव वर्क हमने समझ लिया हुआ है, जब एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा फोर्स लगाते हुए एक्सिस के साथ, तो दैट विल बी आवर पॉजिटिव वर्क डन। और अगर यही हम 90 से एक्सीड कर देंगे अपनी फोर्स को, यानी हम इसको 90 डिग्री से आगे ले जाएंगे फोर्स को, तो हम
एक मुकाम आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फास्ट जो एंगल होगा वो 180 डिग्री आ जाएगा, तो वो कॉस 180 डिग्री माइनस वन होता है। तो इस चीज़ को हम डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी को हम नेगेटिव वर्क से जाहिर करें। अच्छा जी, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस इक्वेशन को हमने पहले भी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में इसको देखा हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, तो यहाँ पे इस चीज़ को रिवाइज करते चले जाते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि उसी वर्क डन को, क्योंकि फोर्स एम ए के बराबर होती है, यानी मास और एक्सेलरेशन की मल्टीप्लिकेशन, और जो डिस्टेंस है उस या डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम यहाँ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हमारी जो इक्वेशन है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लिख रहे हैं एम ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्सेलरेशन जो है इसकी वैल्यू जो है हम लोग ले रहे हैं वी स्क्वायर ओवर टू एक्स। ये सबसे नीचे आए तो हमने एक इक्वेशन देख रहे हैं हरकत की तीसरी मुसावर, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। वी क्या चीज़ है जी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी है, और यू क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये थर्ड इक्वेशन में अगर हम इनिशियली अगर बॉडी एडजस्ट होगी तो ये यू स्क्वायर वाला फैक्टर उसमें से ज़ीरो हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स रह जाएगा, क्योंकि हमें इसमें से ए की वैल्यू एक्सेलरेशन दरकार है, तो उसको हम ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर टू एक्स लिख सकते हैं। ये सामने कैलकुलेशंस की गई हैं। इसी ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर टू एक्स को हम ऊपर एम ए एक्स के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, यानी हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो एम मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर ओवर टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स चूँकि कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं दूसरे से, ये फैक्टर मिनिमाइज हो जाएगा, तो रिमेनिंग एम इंटू वी स्क्वायर ओवर टू रह जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं वन ओवर टू एम वी स्क्वायर। तो ये वर्क डन जो है इसको हम काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी। इसी तरह से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या चीज़ है इसके अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी is caused by an equal amount of positive work done on the body by the resultant force acting on that body। यानी किसी अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती चली जाएगी, और वो जो फोर्स होगी वो पॉजिटिव वर्क, हम उसको आप पहले पढ़ चुके होंगे कि अगर वो लेस देन एंगल उनका 90 डिग्री होगा तो हम उसको पॉजिटिव वर्क कहेंगे। और कन्वर्सली अगर ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती चली जाए, डिक्रीज किस तरह से होगी, अगर हम उसका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो हम उसको नेगेटिव वर्क भी कहते हैं। तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, नेटवर्क जो उसके ऊपर जो नेटवर्क हमें हासिल होता है जब हम फोर्स लग रहा होता है, तो एक्चुअली वो हम उसको अब इन टर्म्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज़ द वर्क डन। इसी को हम मैथमेटिकली, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली भी हम लोग लिख सकते हैं और साबित कर सकते हैं। वो सामने अगर आप देख रहे होंगे कि द वर्क डन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ए टू बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी की तरफ मूव करता है और उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई एफ अप्लाई है, तो हम उसको इक्वेशन लिख सकते हैं उसकी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ए बी एफ डॉट डी आर। एफ वेक्टर क्वांटिटी ये फोर्स है, डी आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ए से बी तक की जो ट्रेजेक्ट्री है अगर आप उसको बहुत स्मॉल इन्फेंटिसमल एरियाज में उसको तकसीम कर दें, तो उसमें जो वन पैच है जो कि ट्रेजेक्ट्री को ऑलमोस्ट लीनियर शो करेगा, और हमारी जो इक्वेशन है डब्ल्यू इज इक्वल एफ डी वो इसके ऊपर फुलफिल हो जाएगी। तो D को यहाँ हमने R की शक्ल में लिखा होगा, तो F डॉट डी आर। तो अब हम चूँकि डी आर जो है ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ी हुई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
वी स्पीड से हरकत कर रहा हो और कुछ टाइम के बाद वो जो फासला तय करेगा उसको हम अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन में एस इज इक्वल टू वी इंटू टी लिख देते हैं। अब चूँकि हम स्मॉल इन्फिनिटेसिमल एरियाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसी डिस्प्लेसमेंट को डी आर इज इक्वल टू वी डी टी की शक्ल में लिख रहे हैं और न्यूटन सेकेंड लॉ बराबर है एम ए होता है, तो उसको हमने लिखा है कि एफ बराबर है एम ए इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी। अब यही दो चीज़ें जो हमने अभी ऊपर लिखी हुई हैं डी आर की और एफ की, इनको इक्वेशन वन के अंदर हम पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी डब्ल्यू ए बी इंटीग्रल ए टू बी ब्रैकेट के अंदर एम डी वी ओवर डी टी डॉट बी डी टी। इसके साथ ही इक्वल के बाद हमने एम को कॉमन ले लिया होगा और जो इंटीग्रल है वो ए टू बी है और आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर अब दो चीज़ें आ चुकी हुई हैं, एक डेरिवेटिव ऑफ बी डॉट बी और साथ में डी टी। ठीक है जी, अब ये जो है इसको एरो के ज़रिए से इसी चीज़ को हमने हल किया हुआ है, सामने एरो में ग्रीन जो है स्लाइड बनी हुई है उसके अंदर उसको हमने हल किया हुआ है, उसको एज इट इज़ बॉक्स के अंदर रखने के बाद हम नीचे देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स जो डॉट प्रोडक्ट्स पर लिंक हों और उसको डेरिवेटिव के साथ आप हल करने जा रहे हैं, उसको एक्सपेंड करने जा रहे हों, यानी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ हम कर रहे हैं वी डॉट वी के दरमियान, तो जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आंसर इस तरह से आएगा वी डी वी वी डी टी ऑफ वी प्लस, अब ये सेकंड वैल्यू थी, अब फर्स्ट वैल्यू की टर्म आएगी क्योंकि दोनों सेम है इसलिए डी ओवर डी टी इंटू फर्स्ट वैल्यू डॉट सेकंड वैल्यू। तो ये चूँकि अब दोनों जो प्लस फॉर्म में आपके सामने नज़र आ रही हैं ये सेम सिमिलर हैं, जैसे टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू टू, तो जब दोनों को सम अप करेंगे तो वैल्यू डबल हो जाएगी, तो ये इसको हम लिख रहे हैं टू वी डी वी ओवर डी टी। ये जो टू वी का टू के वी के सारे टू लगा हुआ है इसको हम लेफ़्ट साइड पे हम इसको वन ओवर टू करके लिख सकते हैं, वन ओवर टू डी टी और वी डॉट वी इज इक्वल टू वी डी वी डी टी। अगर आप यही चीज़ यही जो चीज़ है जिसके एंड भी आप गौर करें तो वो हमने ब्लू एरो के लिए से उसको मैंशन किया हुआ है, यानी जो ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास फिनोमेना था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। अगर ये हम ऐसा करने में कामयाब हो गए हैं और समझ आ गई है तो हम अगले स्टेप पे चलते हुए इसको इक्वल टू वन ओवर टू एम इंटीग्रल ए टू बी डी ओवर डी टी वी स्क्वेयर, क्योंकि दो वेक्टर मिकदारें जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होकर वी स्क्वेयर जो स्केलर वैल्यू दे रही हैं और डी टी दे रही हैं, डी टी फैक्टर कैंसिल होने पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास वन ओवर टू एम वी स्क्वेयर और वो जो लिमिट्स हैं ए टू बी उसको साथ पा देंगे और लिमिट इंसर्ट करने पे जो इक्वेशन एक्सपेंड होगी वो इस शक्ल में होगी वन ओवर टू एम वी बी स्क्वेयर माइनस वन ओवर टू एम वी ए स्क्वेयर। तो आप दोनों जानते हैं ये दोनों ही काइनेटिक एनर्जीज हैं और दोनों काइनेटिक एनर्जी दो मुख्य पॉइंट्स के ऊपर की हैं, तो हम इसको डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए लिख लेंगे और ये टी बी माइनस टी ए एक्चुअली दो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, तो हमने आखिर पे लिख दिया डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू डेल टी। ये मैथमेटिकल फॉर्म है वर्क एनर्जी की जो कि पीछे हम उसको वर्बली हमने वर्डिंग शक्ल में एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।